नमस्कार। तो गजब टेक्निकल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि कैसे आप व्हाट्सएप में लगे हुए स्टेटस में इमेजेस एंड वीडियोस को डाउनलोड करते हैं। बेसिकली उन वीडियोस को डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं होती, वो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे अपन वॉच करते थे इमेज को देखते हैं या किसी भी वीडियो को देखते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट रूप से वो अपने फ़ोन स्टोरेज डाउनलोड हो जाते हैं ऑटोमेटिकली ही। तो अपन कैसे उन डाउनलोड हुए वीडियो अपन देख सकते हैं या इमेजेस को अपन यूज़ कर सकते हैं? तो बेसिकली अपन को फ़ोन स्टोरेज में जाना। फ़ोन स्टोरेज में जाने के बाद यहाँ से आपको व्हाट्सअप नाम का फोल्डर ओपन करना है। व्हाट्सअप नाम के फोल्डर को ओपन करते ही यहाँ पे मीडिया नाम के फोल्डर होता है, उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे जस्ट राइट क्लिक करके सेटिंग में आप हिडन शो हिडन फाइल पे क्लिक करेंगे। जब अपन शो हिडन फाइल क्लिक करते हैं तो अपने सामने एक स्टेटस के नाम से एक हिडन हुआ फोल्डर सामने आता है। तो उसी के अंदर जो भी अपन व्हाट्सअप में स्टेटस अपन देखते हैं वो इस फोल्डर के अंदर सेव होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट रूप से। तो यहाँ से क्या करना है, अपन को जो भी इमेजेस चाहिए या जो भी फोल्डर जो भी इमेज हुई या जो भी वीडियो हुए यहाँ से आप कर सकते हो, यहाँ से आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सिंपली एक वे होता है वीडियो भी ना बना के। शॉर्ट में मैं बताना चाहूँ तो बेसिकली जो भी अपन स्टेटस व्हाट्सएप पे देखते हैं बाय डिफ़ॉल्ट रूप से ही अपने स्टोरेज में ही सेव होते हैं। तो बेसिकली आप यहाँ से जो फाइल को क्लिक करके जो स्टेटस के नाम के फोल्डर को करके यहाँ से आप वो फाइलें आप यूज़ कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा होते सर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल को दबाइए ऐसे ही मोर अपडेट्स पाने के लिए। धन्यवाद दोस्तों।